ये क्या चीज़ है जी साहब? देसी घी। देसी घी, जबरदस्त देसी घी। और ये बाकी क्या है? सारा घी है। खोया, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए भाई, हमारा कबाब आ गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल सिजल हो रहा है। और ये जी हमारा गुलाब जामुन, चेक दिस आउट, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तमालम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। भाई आज हम लोग आए हुए हैं मर्दान। मर्दान एक प्यारी सी सिटी है पेशावर के बिल्कुल करीब ही, और यहाँ के कुछ फूड है जिसके बारे में हमने काफी सुना हुआ है। आज हम सुबह सवेरे आए हुए हैं मर्दान, और आप लोगों को जितना हो सके उतना फूड हम आपको मर्दान का दिखाएंगे। इस वक्त हम लोग मौजूद है उमर कबाब वाले के पास, जो कि मर्दान बैंक रोड के बिल्कुल करीब ही है। इसके बारे में काफी सुना हुआ था, तो सुनते सुनते हम लोग भी यहाँ पर आ पहुंचे हैं, और आज हम ट्राई करेंगे ये वाला कबाब, और आप लोग को रिव्यू देंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। तो चलते हैं अंदर, आपके साथ विजुअल शेयर करता हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अच्छा भाई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सारे टमाटर वगैरह पड़े हुए, टमाटर है, अनियंस है, मिर्चे है, अनारदाना है, ये आप देख सकते हैं कीमा। ये क्या का, ये क्या चीज है अजी साहब? जीरा। जीरा, ठीक है। धनिया। ये धनिया का या अदरक? अदरक। अच्छा, और नीचे सफेद सफेद क्या है? फेजो। ये क्या चीज है? अंडा। अंडा, ठीक 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 ठीक। अनारदाना। अनारदाना, जबरदस्त। ये क्या चीज है? मिर्चे, जबरदस्त। और मेन इंग्रेडिएंट इसमें हमारी नली है, बोन मैरो। इसका जो पावरफुल फ्लेवर आएगा ना, सो इंशाल्लाह मैं इमेजिन कर सकता हूँ, क्योंकि कबाब दिखने में ही आपको पता चल जाता है कि कैसे होंगे। हम लोग बिल्कुल सुबह सवेरे आए हुए हैं, 10 बज रहे। ये रश देखिए, बाहर लोग खड़े हुए और अंदर भी हाउसफुल है इनका ऑलमोस्ट। तो 10 बजे इनका ये हाल है। तकरीबन 2-1 बजे हम लोग यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर क्या हाल होगा ये आप लोग देख सकते हो। भाई हमारा कबाब गया कढ़ाई में, और चंद ही लम्हों में ये फ्राई होकर हमारे पास आएगा, माशाल्लाह माशाल्लाह, चेक दिस आउट। ये जी हमारा कबाब बनकर आ चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह तबारकअल्लाह, बिल्कुल सिजल करता जा रहा है, और ये इसके ऊपर गया मसाला, जबरदस्त। हमारे उमर भाई के कबाब रेडी होकर आ चुके हैं, ये आप देख सकते हो। इसको बिल्कुल जबरदस्त तरीके से फ्राई किया गया है, इसके अंदर ये क्रिस्पी क्रिस्पी नली को देखिए, बोन मैरो, चेक दिस आउट, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अंदर से थोड़ा सा सॉफ्ट है और बाहर से बिल्कुल क्रंची, बिल्कुल नहीं, उसको सख्त किया, फ्राई किया गया है। ये देखिए पूरा एक मिक्सर हमने ले लिया है, नली का, बोन मैरो, कबाब, सारे स्पाइसेस, और साथ में जो एग फ्राइड है उसका ये एवेपोरेशन आप देख सकते हैं, इससे धुआं उठ रहा है, और इसको ट्राई करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। बिस्मिल्लाह वला बरकत अल्लाह। ओहो हो, जबरदस्त, फुली कुक्ड है, अंदर से बिल्कुल पक्का है, स्पाइसेस का वो पूरे धमाकेदार फ्लेवर आ रहा है। अक्सर कबाबों में ऐसा होता है कि उसमें आटा ज्यादा डाला हुआ होता है, बट ये मुंह में जाते ही बिल्कुल बीफ वाला फ्लेवर आ रहा है, मतलब गोश्त का वो फ्लेवर आ रहा है, साथ में स्पाइसेस का, थोड़ा सा मिर्ची का वो जला देने वाला फ्लेवर आ रहा है। ये दो कबाब मेरे लिए एक दिन के लिए काफ़ी है, मतलब इतने हेवी सीन होने हैं और काफ़ी स्पाइसी है, फ्लेवरफुल है। कबाब अक्सर जो होते हैं वो ब्लैंक होते हैं, बट उमर कबाब पसंद आ गए मेरे भाई, माशाल्लाह। ये जी पेन मोमेंट चल रहा है। अच्छा भाई, कबाब के बाद सेकंड स्पॉट हम लोग आए हुए हैं जलील स्वीट्स वाले के पास, जो कि आजकल काफ़ी फेमस हो रहा है, मतलब मुख्तलिफ यूट्यूबर्स और फूड ब्लॉगर्स यहाँ पर आ रहे हैं, और स्पेशलिटी जो है वो इनका टेस्ट है, और इस तरीके से ये लोग प्रेजेंट करते हैं अपने हलवा को और रसगुल्लों को, उछाल उछाल कर आपके प्लेट में डालते हैं, तो सारे पैसे उसके पूरे हो जाते हैं। हम लोग चलते हैं अंदर और आप लोगों को इसकी प्राइस वगैरह बताते हैं और इनके फ्लेवर बताते हैं। जबरदस्त, ये क्या चीज़ है जी साहब? देसी घी। देसी घी, जबरदस्त देसी घी। और ये बाकी क्या है? सारा घी है। खोया, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा आप लोग देख सकते हो सारा ऑयल जो है ना वो बार कूट कूट के आ रहा है। हलवा है, हलवा के अंदर देसी घी है, और इतना सारा खोया, ये आप देख सकते हो खोए के अंदर, खोए को उसको अंदर बिल्कुल मिक्स किया गया है, और साथ में फिर यहाँ पर खोया पड़ा हुआ है, जो कि आपके प्लेट के ऊपर भी रखा जाएगा।
यहाँ पर हमारे गुलाब जामुन है, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल गरम गरम है, गैस इसको भी रखा हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकअल्लाह, चेक दिस आउट। ये जी जलील भाई के पास आपको सिर्फ मिलेगा जो कि जज रोड मर्दान में है। ये जी सबसे पहले गया हमारा गाजर का हलवा, उसके ऊपर गया खोया, और ये जी हमारा गुलाब जामुन, चेक दिस आउट, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। जलील स्वीट है गाजर का हलवा जो कि बिल्कुल देसी घी और खोए के अंदर उसको डुबो डुबो कर बनाया गया है। ये देखिए ये गाजर का हलवा है, साथ में इसका खोया है, खोए के अंदर, अच्छा खोए इसके अंदर भी मिक्स किया गया है और उसके ऊपर भी ये डाला गया है, और इनके गुलाब जामुन है माशाल्लाह। ये देखिए कितने फ्लफी है, अल्लाह अल्लाह, ये देखिए कितने फ्लफी गुलाब जामुन है। सो हम अपना फास्ट स्पून लेते हैं, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह तबारकअल्लाह, एक और स्पून लेते हैं। माशाल्लाह हलवा हो मेरे भाई, गाजर का हलवा हो तो ऐसा हो, यानी गाजर के हलवे मैंने बहुत ज़्यादा खाए हैं, घर में भी खाए हैं, घर वाले से भी अच्छा है। टू बी ऑनेस्ट मुझे पता है मेरे अम्मी ये वीडियो देखकर मुझे गुस्सा होगी, बट घर वाले से भी काफ़ी अच्छा है। इसके जो फ्लेवर्स है वो उभर उभर के सामने आ रहे हैं, मतलब खोए का इतना पावरफुल फ्लेवर, देसी घी का इतना पावरफुल फ्लेवर, मज़ा आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे दूध को ना कंडेंस किया गया हो, सारा उसी के अंदर उसको पकाया गया हो। काफ़ी हैवी फ्लेवर्स है, बिल्कुल मीठा नहीं है, मतलब अक्सर हलवा होता है वो ज़्यादा मीठा हो जाता है और फिर बंदे का दिल पकड़ता है, ज़्यादा नहीं खाया जा सकता। एक्सट्रीमली लाइट है, मतलब सारे फ्लेवर जो है वो गाजर के आ रहे हैं, खोए के आ रहे हैं और देसी घी के आ रहे हैं, वो स्वीटनेस के, वो शुगर के फ्लेवर्स मुझे नहीं आ रहे। सो मेरे भाई हलवा हो तो जलील स्वीट की तरह हो, लिटरली स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आप मर्दान से गुजर रहे हो या अगर आप किसी को कोई गिफ्ट वगैरह देना चाहते हो, सो मेरे भाई दिस ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसको ट्राई करते हैं अपने गुलाब जामुन के साथ। गुलाब जामुन को हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे बनाया गया है। सबसे पहले हम एज इट इज़ ट्राई करेंगे। अच्छा सारी मिठास जो है, गुलाब जामुन काफ़ी मीठा है, सारी मिठास जो है वो गुलाब जामुन में है। गाजर के हलवे को बिल्कुल ब्लैंक रखा गया है। अब इस दोनों के कम्बिनेशन हम लोग देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। अखीर मेरे भाई हाईली रिकमेंडेड, और आपको ये एक प्लेट ₹150 का मिल रहा है। सो काफ़ी अफोर्डेबल है क्योंकि इसमें जो इतने फ्लेवर्स और इतने इंग्रेडिएंट्स है, अखीर ज़बरदस्त मैं पैक करने जा रहा हूँ। अच्छा भाई हमारे दो स्पॉट्स कवर हो चुके हैं, अभी हमें समझ नहीं आ रहा है कि अभी हम एंडिंग कहाँ पर करें। सो ये आजी साहब हमारे साथ है, इनसे हम लोग मशवरा लेते हैं कि ये खुद ही मर्दान से है। आजी साहब अस्सलाम वालेकुम। ये हमें बताइए कि मर्दान के हम लोग क्या खा सकते हैं, यहाँ पर क्या मशहूर है? ये वासिल वाले चावल जी जी बहुत ज्यादा मशहूर है, बहुत ज्यादा रखे वासल चावल ठीक है, बस हमें वहाँ पर लेकर चले, सही है? बिल्कुल सही है, बिस्मिल्लाह। अच्छा भाई ये हम लोग आ गए है वासिल गोश्त चावल वाले के पास, ये आप देख सकते है। दोपहर के 1 बज रहे और ये रश ऑलमोस्ट लगना शुरू हो गया है। वासल भाई मेरे ख्याल से यही है, चावल बना रहे, चावल सर्व कर रहे, गोश्त चावल, चलते हैं अंदर। आपको बताते हैं कि पर प्लेट प्राइस क्या है और टेस्ट इसका कैसा है। अमीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या है अमीर साहब, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुकान कब से है? ये दुकान जो है 2009 से। माशाल्लाह जबरदस्त। क्या सर्विंग है, कितनी है, एक प्लेट कितने का है? 350 रुपए। हमारे लिए 500 वाला प्लेट तैयार कीजिए। ठीक है जी, ठीक है। ये हमारे चावल है मर्दान के चावल, ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये 20 रंग डाला हुआ है, टेंडरनेस आप इसकी देखिए। ओके गोश्त को थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई किया गया है। ये देख वाले चावल है हमारे, वो चना चावल या वो पुलाव वाले चावल नहीं है, सिंपल चावल है। इसके अंदर बीफ डाला हुआ है, चम्मच साथ में, बस चम्मच से नहीं, हम बीफ को लेंगे और साथ में कुछ चावल उठाएंगे। ये जो हमारा एक प्यारा सा नवाला बन गया,
अच्छा ये ब्लैक ब्लैक आपको नजर आ रही है, ये फ्राई हुआ है, ज्यादा फ्राई किया गया है इसको, इसलिए इसका कलर जो है वो तब्दील हो गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। सो मैं इनको रिव्यू भी दूंगा कि इसको इतना फ्राई ना करें ताकि इसका कलर बदल जाए। बिस्मिल्लाह व बरकतुल्लाह। चावल में वो यखनी वाला फ्लेवर आ रहा है, वचा लाइक मतलब बिल्कुल ब्लैंक नहीं है, मसाले वगैरह ऐड नहीं किए गए हैं, बट यखनी का फ्लेवर आ रहा है। तो गोश्त जो है, गोश्त थोड़ा सा ओवर कुक्ड हो गया है, ओवर फ्राई हो चुका है, जो कि मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उसके वो एक्सट्रीम फ्लेवर जो है वो मुँह में चावलों से ज़्यादा उबर के आ रहे हैं। तो चावल अच्छे हैं, बट गोश्त शायद इनसे आज गलती हुई होगी, बट हम लोग ट्राई करेंगे इसको दोबारा और आएंगे। अच्छा वीडियो के बीच बीच में आकर मिल रहे हैं, माशाल्लाह माशा, थैंक यू गाइस, आप लोग का प्यार है। तो चावल आर नॉर्मल मशहूर है, लोग काफ़ी रश लगी हुई है, यकीनन उनको पसंद आया होगा। मैं भी मर्दान के लिहाज से ये चावल अच्छे हो। अपने व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, उम्मीद है आप सबको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉयड द व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।